में और आज के क्लास में हम लोग रायमन इंटीग्रल ऑफ बाउंडेड फंक्शन पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लासों में पढ़ा कि लोअर रायमन इंटीग्रल एंड अपर रायमन इंटीग्रल क्या है, तो आज हम लोग उसी क्लास से रिलेटेड एक नया क्लास है जो कि रायमन इंटीग्रल क्या होता है। जैसे कि ये पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ दिनों से, इस पेपर के बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं, लेकिन आखिर रायमन इंटीग्रल का बेसिक डेफिनेशन है क्या ये हमने नहीं जाना। हमने बस इतना जाना कि रायमन एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक इंटीग्रेशन पे बेस्ड कुछ फॉर्मूले दिए, उसी सब फॉर्मूले से जो भी हम इंटीग्रेशन करते हैं उस पूरे होल इंटीग्रेशन को रायमन इंटीग्रल कहते हैं। लेकिन रायमन इंटीग्रल यहाँ पे अगर हम लोग बेसिक इस टॉपिक के बारे में बात करें तो उसका कुछ बेसिक डेफिनेशन होता है। आज हम लोग उस डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि हम पिछले का अगर आप वीडियो देखे होंगे हमारा लोअर रायमन इंटीग्रल एंड अपर रायमन इंटीग्रल का, तो आपको वहां पे बहुत कुछ पता होगा। चलिए हम थोड़ा सा फिर भी रिकॉल करते हैं आपको कि लोअर रायमन इंटीग्रल और अपर रायमन इंटीग्रल हो गया ना, इसका दो तरीके से डेफिनेशन निकलता था, क्लियर है। चलिए हम थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे, मान लीजिए जैसे कि आपको पता होगा ना कि ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या त्रिभुज, जैसे कि कोई ट्रायंगल ये मान लीजिए कोई दो ट्रायंगल है, या फिर कुछ एक ट्रायंगल कुछ इस टाइप से ले लेते हैं। मान लीजिए कोई दो ट्रायंगल है तो आप ट्रायंगल को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बहुत ऐसा चीज मिलेगा आपको जो आप दो से अधिक तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम इन दोनों ट्रायंगल को हम ऐसा बता सकते हैं कि एंगल के बेसिस पे ये किस टाइप का ट्रायंगल है, और फिर दूसरा बता सकते हैं कि साइड के बेसिस पे किस टाइप का ट्रायंगल है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लोअर रायमन इंटीग्रल और अपर रायमन इंटीग्रल का डेफिनेशन भी दो तरीके से जानते हैं। पहला क्या, बाउंडेड डेफिनेशन जानते हैं लोअर और अपर रायमन इंटीग्रल का, और दूसरा हम लोग जानते हैं लिमिटिंग डेफिनेशन, क्लियर ना। तो चलिए हम थोड़ा सा आपको बताएं, चलिए थोड़ा सा हम आप लोग को रिकॉल कर देते हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है, क्लियर है। तो चलिए हम बताएं आपको, आपने शायद ये पढ़ा था कि मान लेते हैं कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, अगर वो क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइंड है तो हम लोग इस टर्म्स को क्या कहते थे, हम लोग इस टर्म्स को कहते थे लोअर रायमन इंटीग्रल, ठीक ना। अच्छा, और एक टर्म्स आता था, देखिए यहां पे ए पे बार है, ठीक है, और यहां पे बी पे बार है, इस चीज को हम लोग कहते थे अपर रायमन इंटीग्रल। ये दो चीज ना, और ये कहां से, ये जो हमने कहा कि ये जो हमारा लोअर रायमन इंटीग्रल है इसको हम डिनोट कैसे करते थे, एल ऑफ एफ से, और इसको यू ऑफ एफ से, इस तरीके से हम डिनोट करते थे, क्लियर। अब आपको मैं बताऊं कि यहां पे जो हमने लिखा ये चीज क्या हो गया, वो हो गया हमारा बाउंडेड डेफिनेशन, बाउंडेड डेफिनेशन थे। और हम थोड़ा सा आपको याद कराएं कि आप ये हमारे पास फंक्शन है और ये उसका इंटरवल है, और इस इंटरवल से आप आसानी से कोई पार्टीशियन निकाल सकते हैं, ठीक, और इस पार्टीशियन के हेल्प से स्मॉल एम आर और डेल आर निकाल सकते हैं, उसके हेल्प से आप एल ऑफ पी निकाल सकते हैं। एल ऑफ पी का मतलब क्या होता है, लोअर रायमन सम, ध्यान रहे ये लोअर रायमन इंटीग्रल है, हम क्या निकाल लिए, लोअर रायमन सम निकाल लिए, और क्या निकाल लेंगे, अपर रायमन सम, ठीक, लोअर रायमन सम निकालिए और अपर रायमन सम निकाल लिए। इसके बाद अगर हम इसको लिमिट पुट कर दे, लिमिट नॉर्म, नॉर्म तो पता है ना क्या होता है, नॉर्म टेंड टू जीरो कर दे, और इसके साथ तो वही कर दे, लिमिट नॉर्म टेंड टू जीरो कर दे, तो ये जो हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है, ध्यान दीजिए इस बॉक्स में जो हमारा रिजल्ट आया ये भी कहलाता है लोअर रायमन इंटीग्रल। ध्यान रहे कि अगर हम लिमिट जब तक वही लगाते हैं तब तक सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, लोअर रायमन सम है, और जैसे ही लिमिटिंग करते हैं उसका नॉर्म टेंड्स टू जीरो है ना, तो ये क्या हो जाता है, हमारा लोअर रायमन सम से लोअर रायमन इंटीग्रल बन जाता है, और इसी चीज को हम कहते हैं लिमिटिंग डेफिनेशन। ये हो गया लोअर रायमन सम का, सॉरी लोअर रायमन इंटीग्रल का बाउंडेड डेफिनेशन, और ये हो गया हमारा लोअर रायमन सम का लिमिटिंग डेफिनेशन, क्लियर हो गया। और इसको भी डिनोट आप एल ऑफ एफ से कर सकते हैं, ठीक, और कहीं पास अगर आपको ऐसा दिया रहे तो आप ऐसा समझ सकते हैं, और अगर ऐसा दिया है तो आप ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों आखिर क्या है, हमारा एफ जो हमारा फंक्शन है उस फंक्शन का लोअर रायमन इंटीग्रल है। तो बस ये जो आज हम रायमन इंटीग्रल पढ़ेंगे, पिछले के क्लासों में ये सब बता चुका हूँ, फिर भी थोड़ा सा रिकॉल कर दिया, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि रायमन इंटीग्रल क्या होता है। आपको जानकारी अब तक हो चुका होगा कि लोअर रायमन
क्या है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं, अच्छा इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशन ऑफ आर इंटीग्रेबिलिटी। आर मीन्स की रैमन इंटीग्रेबिलिटी, ठीक है ना। रायमन इंटीग्रल ऑफ बाउंडेड फंक्शन या फिर इसी चीज को ऐसे पूछा जा सकता है, कंडीशन ऑफ आर इंटीग्रेबिलिटी क्या होता है, ध्यान देना है। इफ एल ऑफ एफ इज इक्वल टू यू ऑफ एफ, ठीक है, देन एफ इज कॉल्ड आर इंटीग्रेबिलिटी। And denoted by ठीक है, फिर से यहां पे समझिए कि इफ एल ऑफ एफ, एल ऑफ एफ क्या है, आप यहां पे एल ऑफ एफ और यू ऑफ एफ भी रख सकते हैं, या फिर आप इसके जगह पे चाहें तो आप डायरेक्ट जो हमारा डेफ मतलब हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, लोअर रैमन इंटीग्रल को ए पे बार b f of x dx ऐसे इज इक्वल टू हो जाए a से b बार f of x dx, मतलब यहां पे बात साफ है कि अगर लोअर रायमन सम अपर रायमन सॉरी लोअर रायमन इंटीग्रल अपर रायमन इंटीग्रल के इक्वल हो जाए तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो r इंटीग्रेबिलिटी है। क्लियर है, वो फंक्शन क्या है हमारा, r इंटीग्रेबिलिटी है, ठीक है ना। अच्छा ये जनरली किससे डिनोट किया जाता है, इस टाइप से, यहां ध्यान रहे कि कोई भी आपको बात नहीं मिलेगा, ये क्या होता है ये। अच्छा एंड ये सब लिखने के बाद आपको एक चीज और जरूर जिससे जरूर मेंशन कर देना होगा, चलिए इसको रहने देते हैं, इसके बाद हम जानते हैं ये कब होगा, जब ऐसा होगा तो हमारा फंक्शन आर इंटीग्रेबिलिटी होगा, और जब आर इंटीग्रेबिलिटी पहले से दिया रहेगा तो हम लोग क्या जानेंगे, देखते हैं। अच्छा इफ एफ ऑफ एक्स इज आर इंटीग्रेबल, आर इंटीग्रेबल, देन वी हैव, देखिए ये छोटा सा हो सकता है, ये छोटा सा टॉपिक आपको एग्जाम में ना पूछे जाए, लेकिन आने वाले जो आगे के थ्योरम्स है उन सभी में इन सभी चीजों का बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए हम सब पे ध्यान दे रहे हैं। तो देखिए क्या हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये कंडीशन हो गया कि अगर ऐसा होता है लोअर रायमन इंटीग्रल अपर रायमन इंटीग्रल के इक्वल होता है तो हम लोग कहते हैं फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल है, आर इंटीग्रेबिलिटी है, ठीक। और आर इंटीग्रेबिलिटी को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, और यदि एफ ऑफ एक्स आर इंटीग्रेबिलिटी है तो हम लोग के पास क्या मिलेगा, हम लोग के पास मिलेगा लोअर रायमन सम इज इक्वल टू अपर रायमन सम इज इक्वल टू आर, मतलब ये फंक्शन है इंटीग्रेशन के साथ, यही हमारा आर इंटीग्रेबिलिटी का सिंबल है। तो समझ में आया कि जब आर इंटीग्रेबिलिटी पहले से दिया जाएगा तो ये तीनों को मिलते ही होता है, क्लियर। तो चलिए हम लोग यहां से एक चीज तो क्लियर हो गया कि हमारा आर इंटीग्रेबिलिटी क्या है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आर इंटीग्रेबिलिटी से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स, ठीक ना। मैं आपको एक बात बताऊं कि जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस में सारे थ्योरम्स में आपका लोअर रायमन इंटीग्रल अपर रायमन इंटीग्रल के इक्वल हो जाए, क्लियर है। तो जरूरी नहीं है कि हर एक जो हमारा फंक्शन होगा वो उसका लोअर रायमन इंटीग्रल और अपर रायमन इंटीग्रल इक्वल हो जाए, तो जरूरी नहीं है ना, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी आगे के टॉपिक को लेकर।